दोस्तों आज के क्रिप्टो न्यूज की शुरुआत मैं करने वाला हूं बहुत ही धमाकेदार बहुत ही जबरदस्त अपडेट जो कि शिबा इनू की तरफ से आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, शिबा इनू जो अपने एक रुपए का रास्ते को पूरे क्लियर करना चाहती है। यहां की शिबा इनू कोशिश कर रही है बहुत ही आराम से एक रुपए को टच करने के लिए। बेसिकली दोस्तों शिबा इनू एक इंटरनेशनल कॉइन है तो उसके लिए एक रुपए का मार्जिन बड़ा नहीं होगा, बट 0.1 सेंट्स तो एक बहुत बड़ी मार्जिन है शिबा इनू के लिए, जिसे शिबा इनू जरूर से टच करना चाहेगी। और उसी के रिगार्डिंग लगातार शिबा इनू हमें काम करते हुए दिख रही है, जहाँ की अभी शिबा इनू के पेमेंट्स के रिगार्डिंग अपडेट निकल के आ चुकी है, जहाँ की आप सीधे सीधे यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल स्टोर कैन एक्सेप्ट शिब पेमेंट, मतलब ऑनलाइन और फिजिकल दोनों स्टोर अब शिबा पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। शिबा पेरोल इज पॉसिबल, चैरिटीज कैन एक्सेप्ट शिबा, स्ट्रीमर कैन एक्सेप्ट शिबा डोनेशन। भैया मजेदार अपडेट है, स्ट्रीमर्स के रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुकी है, क्या हमें भी लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देनी चाहिए? बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो हम इस पर जरूर से ध्यान देंगे और लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्दी से आप सभी के लिए चालू कर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, शिबा इनू की तरफ से काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। जहाँ दो दिन पहले डेवलपर की तरफ से बर्निंग की अपडेट आई थी, अब पेमेंट एक्सेप्ट करने की अपडेट आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं लगातार पूरी शिबा इनू की टीम जो है इस काम पे लगी हुई है और बहुत अमेजिंग अपडेट धीरे धीरे निकल के आती जा रही है। तो क्या आप सभी चाहते हैं कल सुबह हम शिबा इनू के पेमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आए, जहाँ कि इसके पूरे इम्पैक्ट को हम समझेंगे और एनालाइज करेंगे कि इससे शिबा इनू कितना आगे जा सकती है। साथ ही दोस्तों इस बड़े अपडेट को भी हम कवर करने वाले हैं कल के वीडियो में, तो थोड़ा वेट कीजिएगा कल सुबह तक का, जहाँ कि हम शिबा इनू के रिगार्डिंग आप सभी के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आने वाले हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, हमने हाइडियस टोकन और लवली इनू के रिगार्डिंग भी अपडेट कवर की है, बट वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो चलिए सीधे देखते हैं अपने दूसरे क्रिप्टो अपडेट को। और दोस्तों ये अपडेट उनके लिए जो चाइना के फड न्यूज से थोड़ा डरे हुए हैं, जिनको लग रहा मार्केट नीचे आएगा, भैया इस अपडेट को देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा ऐसा चाइना कई बार कर चुकी है और इसका आउटपुट क्या निकल के आता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, उसकी पूरी मार्केट गवाह है दोस्तों। जहां कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें ऐसा ही कुछ आउटपुट देखने को मिले। जब लास्ट टाइम 2017 में चाइना ने बिटकॉइन बैन अनाउंस किया था, तभी दोस्तों जब बिटकॉइन डंप की थी एक दिन में 30% के लगभग बिटकॉइन डंप कर गई थी, बट विद इन अ वीक बिटकॉइन ने 30% का रिकवरी भी दिखा दिया था। और दोस्तों 3 महीने के अंदर बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया था, जो कि $20,000 की ऑल टाइम हाई थी उस समय दोस्तों। और इस बार की भी अगर हम सिनेरियो देखें तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमें बनते को दिखा, जहाँ की चाइना के फड न्यूज़ के चलते मार्केट डंप की। तो क्या आप सभी लोग को लगता है दोस्तों इस बार भी दिसंबर में बिटकॉइन अपनी एक ऑल टाइम न्यू हाई सेट करने वाली है? जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जहाँ की अगर आप इस ट्विटर के अपडेट को देखिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा 2017 में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो हुआ था, जहाँ की मार्केट सीधे न्यूज़ के बाद 30% डंप की थी। उसके बाद मार्केट ने 3 महीने के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट किया था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ऑल टाइम हाई थी दोस्तों। तो क्या आप सभी इस बार भी एक नए ऑल टाइम हाई को बिटकॉइन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो जरूर से आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सर्वे और दोस्तों डेटा निकल के आ चुके हैं जो बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिनेरियोस को दिखा रहे हैं। तो बस हमें यही उम्मीद करना है कि आगे चल के थोड़ी फड न्यूज़ कम आए, अगर फड न्यूज़ नहीं आती है दोस्तों, तो जरूर से बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर सकती है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ, जो कि सीधे यूएसए से आ रही है, और आपको पता है यूएसए का मार्केट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं अपने दूसरे क्रिप्टो अपडेट को, सॉरी दोस्तों तीसरे क्रिप्टो अपडेट को। भैया आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, इट्स नाउ और नेवर, बट यूएसए इट्स नाउ और नेवर पे काम करी कि मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों, जहाँ की यूएसए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ, इट्स नाउ और नेवर, द यूएसए हैज़ टू प्रिपेयर इट्स सेल्फ फॉर डिजिटल करेंसी। जहाँ की दोस्तों डिजिटल करेंसी को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों। डिजिटल करेंसी भी ब्लॉकचेन या फिर ओवरऑल क्रिप्टो के मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जहाँ की अभी क्रिप्टो जो है दोस्तों वो लीगल करने की बात नहीं हो रही है, बट सेंट्रल बैंक के तरफ से आने वाली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने की बात की जा रही है, जो कि क्रिप्टो का फर्स्ट स्टेप हम मान सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी बड़े बड़े कंट्री डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं कर सकती, बट अगर सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी भी लेके आ जाती है कंट्रीज, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों, जिससे क्रिप्टो मार्केट में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा हैम्पर होगा, बट एक बहुत ही अच्छा बड़ा स्टेप रहेगा जिससे आगे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि क्रिप्टो को भी लीगल कर दिया जाएगा अगर इससे आउटपुट अच्छी निकल के आती है। अगर हम नीचे जाए थोड़ी तो एक डेटा हमें देखने को मिलेगी जहाँ की बताया जा रहा है दोस्तों, बहुत कमाल की डेटा है जहाँ की आपको देखने को मिलेगा कैसे दुनिया की सारे बड़े कंट्रीज अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी है। जहाँ की अगर आप देखिएगा डेटा को तो आपको समझ में आएगा 86% ऑफ वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स आर ट्राइंग टू क्रिएट डिजिटल करेंसी, मतलब 86% दोस्तों, कितनी बड़ी रेशियो आप समझिए। उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट, मतलब 86% में से 60% जो है कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है और बाकी जो बची 14% दोस्तों वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है पायलट प्रोग्राम, मतलब कि बहुत तेज़ी से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का काम पूरे दुनिया में आगे बढ़ रहा है और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने की भी उम्मीद है दोस्तों। अगर पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाती है हर एक कंट्री के तरफ से, तो फिर आगे हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे क्रिप्टो को भी लीगलाइज कर दिया जाएगा, बट इसे लेकर अभी कोई एश्योरिटी नहीं है। बट क्रिप्टो तो आप जानते ही है एक्सट्रीम प्रॉफिट देने वाली प्लेटफॉर्म है। आप सभी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप सभी क्रिप्टो करेंसीज के फैन हैं तो वीडियो पे एक लाइक तो जरूर से बनता है दोस्तों। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं थोड़ी सी हाइडियस टोकन के लॉन्च के रिगार्डिंग। और दोस्तों हम सीधे आ चुके हैं हाइडियस टोकन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ की आप सभी को बहुत सारे कमाल के अपडेट्स तो देखने को मिल ही रहे, बहुत सारे एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात भी हो रही है। बट दोस्तों हमें बात करनी है अल्टीमेटली प्रॉफिट की, कैसे आप सभी हाइडियस टोकन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा दोस्तों एक बेटर प्लान यही होगा कि अपने टोकन को सही वॉलेट एड्रेस में डाल कर रखिए जहाँ से आप सभी सेल कर पाए, या फिर वो ला टोकन है या फिर बिटमार्ट हो दोस्तों, कोई भी हो सकता है, बट मेरी प्रेफरेंस जरूर से ला टोकन रहेगी दोस्तों। क्योंकि अगर आप ला टोकन में पहले डिपॉजिट कर देते तो सेल करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए बिटमार्ट में भी पंप आता है तो ला टोकन वाले टोकन भी तो पंप करेगी करेगी, और अगर बिटमार्ट जाती है तो आप लाट टोकन से भी टोकन को सेल कर सकते हैं। बट अगर आप बिटमार्ट के लिए वेट करते हैं दोस्तों, फिर अगर आप लाट टोकन वाले पंप को मिस कर देते हैं तो हो सकता है लाट टोकन वाली पंप ही सबसे बड़ी पंप रहे। आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जहां की दोस्तों मैं बस आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, पंप किसी भी समय आ सकती है, बिल्कुल तैयार रहे अपने टोकन को सेल करने के लिए। जब आपको आपके मुताबिक की प्रॉफिट मिले तभी टोकन को सेल कीजिए दोस्तों, वरना अगर आप पंप के चक्कर में रहिएगा तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाइएगा, जहाँ कि पिछले बार भी बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ और बात करते हैं हाइडियस टोकन से जुड़ी हुई लवली इनू की कहानी। और दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम लवली इनू फाइनेंस के ग्रुप में, बट यहाँ पे जो आपको अपडेट देखने को मिलेगी वो लवली इनू को छोड़ के सारे टोकन की लगभग अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ के नीचे हाइडियस टोकन की अपडेट है। थोड़ा सा ऊपर करें दोस्तों तो यहाँ लवली इनू के 100K सपोर्टर्स की बात की जा रही है, और उससे थोड़ा सा ऊपर हम अपडेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डॉक्टर स्कल की आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों आप सभी को डॉक्टर स्कल की नहीं लवली इनू की डिपेंडेंस देखने को मिल रही है। डॉक्टर स्कल और हाइडियस टोकन पे लवली इनू की कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है हाइडियस टोकन पे, इस बात से हमें समझ में आता है कि लवली इनू खुद प्रमोशन पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। क्योंकि लवली इनू को पता है अगर हाइडियस टोकन पंप कर जाती है तो लवली इनू को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगले ILO लॉन्च पैड पे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट लोग वहाँ से जितना ज़्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे आखिरकार आके लवली पे ही तो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लवली इनू की प्राइस ऐसे ही कम है। तो काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है दोस्तों लवली इनू की हाइडियस टोकन पे, जहाँ की मुझे लगता है लवली की पूरी टीम लगी हुई है हाइडियस को पंप करवाने के लिए। आप सभी कितना ज़्यादा पंप हाइडियस टोकन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता ही दीजिएगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ और बात करते हैं बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार कॉइन के बारे में दोस्तों, जो कि है टेरिलिटी यानी कि तरल कॉइन। और दोस्तों हम आ गए हैं तरल कॉइन के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ की दोस्तों आप सभी को 2x टोकन रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है दोस्तों। इस कॉइन की बेसिकली लॉन्च की जानकारी मैंने आप सभी को उस समय पहुंचाई थी जब इस कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, बट उस समय से इस कॉइन ने इतना तगड़ा पंप दिखाया दोस्तों कि आप सभी इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप सभी जरिए मेरे 12 तारीख वाली वीडियो को देखिएगा, उस समय मैं $1 में लगभग 90 लाख कॉइन परचेस कर पा रहा था, और अभी आप $1 में कितने कॉइन परचेस कर पा रहे हैं जरूर से नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जहाँ की इस कॉइन ने जो पंप दिखाया शायद ही कोई कॉइन दिखा पाएगी, और इस कॉइन को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आने वाली है दोस्तों, जिसका मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ।
तरल क्वाइन जो है दोस्तों एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है, इसकी बहुत बड़ी हिंट हमें मिल चुकी है और मैं ये जानकारी एक्सक्लूसिवली आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। लिस्टिंग कब होने वाली है इसकी रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, बट दोस्तों अपडेट आप सभी को बहुत जल्दी आज रात या फिर कल तक तो मिल ही जाएगी। तरल क्वाइन एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पंप की तरफ मूव कर रही है, तो क्या आपने तरल क्वाइन को होल्ड करके रखा है या फिर होल्ड करके नहीं रखा है, जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता ही दीजिएगा। तो फिर दोस्तों आज की क्रिप्टो न्यूज़ आप सभी को कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव क्रिप्टो कॉन्टेंट रेगुलरली लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉसेज बिल्कुल ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माई डियर फ्रेंड्स।